चार धाम यात्रा के दौरान पिछले एक सप्ताह में 20 तीर्थयात्रियों की मौत के मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय ने उत्तराखंड सरकार से रिपोर्ट मांगी है। पीएमओ की रिपोर्ट मांगे जाने के बाद शासन हरकत में आ गया है। इस बीच यात्रा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। सत्यापन के लिए सभी चेक पोस्ट व पुलिस चौकियों पर जाँच होगी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक चार धाम यात्रा में एक सप्ताह में 20 तीर्थयात्रियों की मृत्यु के बारे में पीएमओ ने नोटिस लेकर शासन से रिपोर्ट मांगी है। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को लेकर पुष्ट आंकड़े जुटाए और रिपोर्ट तैयार की। सचिव स्वास्थ्य राधिका झा ने स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक ली। इसके बाद उनकी ओर से तीर्थयात्रा पर आने वाले यात्रियों और पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई। मंगलवार को केदारनाथ में एक और श्रद्धालु की मौत होने की सूचना है। इस तरह तीर्थयात्रियों की मृत्यु का आंकड़ा 21 हो चुका है। स्वास्थ्य महानिर्देशक डॉक्टर शैलजा भट्ट ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में 20 तीर्थयात्रियों की मृत्यु की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी गई है। स्वास्थ्य महानिर्देशालय से रिपोर्ट शासन को भेजी जा रही है कि वे ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही यात्रा पर आए। उन्होंने कहा कि चार धाम यात्रा व्यवस्थित ढंग से चल रही है। पिछले वर्षों की तुलना में धामों में तीर्थयात्रियों की पंजीकरण संख्या बढ़ाई गई है। दो वर्षों के बाद यात्रा हो रही है, इसलिए यात्री अत्यधिक संख्या में आ रहे हैं, पंजीकरण भी ज्यादा हो रहे हैं।